हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मोहम्मद हसन खान। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरा रोज़ा है और आप सब लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। तो मेरा कल भी रोज़ा था, हालांकि आज सेकेंड रमज़ान है, मगर कल मैं शूट नहीं कर सका। तो मैं बोला क्यों ना मैं आज ही ब्लॉग बना लूँ, तो फिर मैंने आज ब्लॉग बना लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं भी अभी कोचिंग से आया हूँ और मेरी गला भी ख़राब है। मुझे कहाँ से पता नहीं क्यों खांसी लगी हुई है। तो हमारे ट्यूशन टीचर ने हमको छुट्टी नहीं दी, उन्होंने हमको रमज़ानों की बिल्कुल भी छुट्टी नहीं दी है। इनफैक्ट उन्होंने ये ज़रूर बोला है कि आप आओ, मगर छोटे टाइम के लिए आओ, शॉर्ट टाइम के लिए आओ। तो मैं जाता हूँ, एक 3 बजे जाता हूँ मैं, 4:30 बजे तक आ जाता हूँ। ठीक है, एक डेढ़ घंटा बहुत है, मगर थोड़ा टाइम पास हो जाता हूँ। और मैं खुद रमज़ान में मेरे ट्यूशन जाने का ज़्यादा दिल करता है, क्योंकि घर पे बैठे रहो तो टाइम पास बिल्कुल नहीं होता। ऊपर से अम्मी कोई ना कोई सौदे के लिए ज़रूर भेज देती है, तो और मौत आती है उल्टा। तो अभी खुलना है, अभी तो 1.5-2 घंटा बाकी है रोज़ा खुलने में। तो मुझे तो अभी तो इतना इंतज़ार करेगा कौन, मतलब टाइम कैसे पास होगा। और बंदा एक चीज़ देख देख के ना बोर जाता है, बंदा एक जगह ले नहीं सकता। जब मैं गली में जाता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं ऊपर आ जाऊँ, जब मैं फिर अपने घर में आता हूँ तब मेरा दिल करता है वापसी गली में चला जाऊँ। मुझे समझ आता है ये होता क्या है, पता नहीं क्या हो रहा है। बस जल्दी से रोज़ा खुल जाए, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बस जल्दी खुल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इस वक्त हमारे घर में शो लग चुका है शान रमज़ान। और गाइस, जब भी रमज़ान आते हैं अफ्तारी के वक्त या फिर सहरी के वक्त, हम ये शो बहुत ही ज़्यादा शौक से देखते हैं और हम सब घर वालों को ये शो बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर पक रही है मेरे फेवरेट भुने हुए चनों की चाट। और गाइस, ये मेरी फेवरेट है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये मम्मा को बोलता हूँ कि अगर भी रोज़ा रखूँ तो हमेशा ये वाली चाट ही बनाएँ। तो फ्रेंड्स, मैं भी छत पर आ चुका हूँ और नीचे में बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, इसलिए मैं भी छत पर आ चुका हूँ। और मेरे को छत पर आना था, पता नहीं एनर्जी आ गई अंदर, इतना ज़ोर ज़ोर से मैं बोलने लग गया हूँ। तो अभी जहाँ पर छत पर, अब कभी धूप आ रही है फिर जा रही है, मगर अभी तो शाम का वक्त है, अभी मतलब पूरे तरीके से सूरज ग़ुरूब नहीं हुआ है, सो सनसेट नहीं हुआ है अभी। तो मैं भी छत पर आ चुका हूँ और अभी छत पर अभी हल्की हल्की हवाएं चल रही है, वरना अभी तो बहुत तेज़ चल रही थी, मगर जब से वो हवा हल्की हो गई है तो मुझे छत पर आने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि छत पर ऐसा कोई नहीं होता, मैं होता हूँ और बहुत अच्छा फील होता है। तो मैं अब आपको यहाँ पे, मेरे को इंतज़ार नहीं हो रहा गाइस कि कब रोज़ा खुलेगा। मेरे अंदर से हालत, आपको लगा था मेरे को रोज़ा नहीं लगा, मगर मेरे अंदर से हालत ऐसी है, तो आप देख सकते मेरे अंदर से हालत कैसी हो रही है। तो मैं अब यहाँ पर आपको हमारे आस पास से घर दिखाता हूँ। इधर ना गाइस, जितने भी आस पास से घर हैं उधर सारी की सारी बिल्डिंग्स है, और हवा चली गई, हवा चलने लग गई है। और आज बादल और आज मौसम मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। तो आइए मैं आपको हमारे आसपास के घर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये रहे हमारे आसपास के सारे घर। और गाइस, हमारे घर के आसपास बहुत ज़्यादा बिल्डिंग है, यू नो। और ये रहा सूरज, और देखिए गाइस आज बादल कितने खूबसूरत निकले हैं, और ये बादल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और हमारे घर के आसपास बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं। फ्रेंड्स, आपने हमारे आसपास के जितने भी घर हैं वो तो सारे आपने देख लिए होंगे। तो अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, टाइम पास करने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा। और फिर अभी हम पता मैं भी क्या क्या करूंगा, तो मैं भी जाऊंगा नीचे, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत अफ्तारी का दिखाऊंगा। अफ्तारी में आज हमारे घर में क्या क्या बन रहा है। वैसे मैंने आपको चनों की चट्टी दिखाई दी है, तो फिर अभी देंगे, फिर हम शान रमज़ान देखेंगे और फिर उसके बाद अफ्तारी करते हैं। तो फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। फ्रेंड्स, से देखिए चाट काफ़ी हद तक बन के तैयार हो चुकी है, और गाइस खुशबू तो उसकी बहुत अच्छी आ रही है। और ये मेरी मम्मा बहुत मज़े के बनाती है और मुझे बहुत अच्छा पसंद लगती है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। आलू के पकोड़े बन रहे हैं, और गाइस आलू के पकोड़े भी मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो रही है अभी तक, मतलब कि रोज़ा नहीं खुला, और अभी तो मुझे हर ज़रा कुछ होती सी बात पर गुस्सा आ रहे हैं, पता नहीं अब कब खुलेगा, आधा घंटा भी रहते हैं। तो अब मैं आपको मिलता हूँ अफ्तारी में। बाय बाय। 2000 years later.
तो फ्रेंड्स फाइनली इफ्तारी हो चुकी है और मैंने रोज़ा भी खोल लिया है और अब मैं नमाज भी पढ़कर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर ही मैं करता हूँ इस वीडियो का एंड। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद है सीधे को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के पास वाले बेल बटन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो के लिए बाय बाय।